हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में, जो NDA 2018 के फर्स्ट फेज में कंडक्ट होने वाला है 22 अप्रैल को। उसके अलजेब्रा पोर्शन के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, या ट्रेंड अब तक का कैसा रहा है, किससे कैसे क्वेश्चंस अराइज होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो जो टॉपिक नेम है हमारा, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन अराइज होता है, एक से दो क्वेश्चन, लॉगरिथमिक से एक से दो क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज़ के जो क्वेश्चन हैं वो क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछे जाते, लेकिन इनइक्वालिटी का जो प्रयोग होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में होते रहते हैं। जैसे सेट थ्योरी में हो जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, जितने टॉपिक यहाँ पर ये लिखे हुए हैं इन सब टॉपिक्स में इनइक्वालिटीज़ का यूज होता है। तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पर टॉपिक को कंटेन किया हुआ है। सेट थ्योरी के जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 से 5 तक का, ट्रेंड जो अब तक का है वो इसी तरह का ही है 4 से 5 तक। कॉम्प्लेक्स नंबर में 5 से 6 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 से 6 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज में 7 से 8 क्वेश्चन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 4 से 5 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में 10 से 11 क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम में 3 से 5 क्वेश्चन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में 4 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। तो जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में बच्चों हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं या किसी मैट्रिसेस का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, तो इनवर्स कैलकुलेट करने में बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है। पहले एडजॉइंट निकालेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे, तब जा करके फिर हमारा इनवर्स निकल पाता है। तो अब ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ, ये मेथड ओनली एप्लीकेबल है उस मैट्रिसेस में जिसका ऑर्डर 3x3 होगा। 2x2 के मैट्रिसेस का तो एडजॉइंट निकालने का तरीका आपको लोगों को मालूम है कि A इज इक्वल टू, अगर हाउ टू फाइंड, यहाँ पे आप देखें हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। 3x3 मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है उसका हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि इनवर्स अगर पूछ दिया जाता है तो इनवर्स निकालने में कम से कम आपको 5 से 7 मिनट का समय लग जाता है और इतना समय वहां पर होगा नहीं। तो कैसे उसको हम इजी वे में कैलकुलेट करें, तो अगर सपोज दैट यहां पर कोई मैट्रिसेस लिखी हुई है ए इज इक्वल टू, कोई मैट्रिसेस है ए इज इक्वल टू यहाँ पर A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। डिटेल्ड मेथड की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, देन उन कोफैक्टर्स को रिस्पेक्टिव प्लेस पे पुट करके उसका ट्रांसपोज करते हैं, तब जा करके हमारा क्या निकल करके आता है, एडजॉइंट निकल के आता है। यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाता है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये एडजॉइंट निकल करके आता है। अब C11 निकालने का तरीका क्या होता है कि जब हम CIJ निकालते हैं तो -1 to the power i + j माइनर ऑफ IJ ये कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से अगर ये 3x3 की है तो 9 एलिमेंट्स इसमें होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे तो 9 कोफैक्टर्स हमारे निकल करके आएंगे, फिर उनको हम वहाँ पे पुट करेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज करेंगे, देन जा करके आप फाइंड आउट कर पाते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन यहाँ पर बड़े शॉर्ट तरीके से हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करें। यहाँ पर हमको करना क्या होगा कि 3x3 की ये मैट्रिसेस लिखी हुई है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर काम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ से आप कई चीज़ों को एक साथ निकाल सकते हैं कि एडजॉइंट निकालना है हमको इसका। तो हर रो को हम जैसे लिखी हुई है हॉरिजॉन्टली उनको अरेंज कर देंगे, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। अब क्या किया जाएगा, यहाँ से ही स्टार्टिंग की जो दो रो हैं उनको थर्ड रो के नीचे अरेंज कर दें, यहाँ पर A1, B1, C1, A2, B2,
C2, ये कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड कॉलम के बगल में जो दो ये कॉलम लिखे हुए हैं उन कॉलम्स को लिख दें, A1, A2, A3, B1, B2, B3। अब ये दो जगह बची हुई हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, फर्स्ट रो और सेकेंड रो के जो दो ये एलिमेंट बचे हुए हैं इनको ऐसे ही एज इट इज़ नीचे लिख दिया जाए, B1, B2। अब ये आपकी जनरेट हो गई 5x5 ऑर्डर की मैट्रिसेस की। तो अब हम यहाँ पर ये क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर अब एडजॉइंट ए अब हमारा निकलना शुरू हो जाएगा। वो कैसे निकल कर आएगा बच्चे यहाँ पर, कि हम इनका प्रोडक्ट ऐसे करें इस तरह से, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इसके साथ, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ और इसका प्रोडक्ट इसके साथ। कर हम कॉलम वाइज रहे हैं, लिखेंगे हम इसको रो वाइज, करेंगे कॉलम वाइज, लिखेंगे इसको हम रो वाइज। जैसे यहाँ पे इसका प्रोडक्ट हुआ तो ये B2 C3 माइनस B3 C2, इसका इसके साथ में प्रोडक्ट हुआ तो ये हो जाएगा B3 C1 B1 C3, फिर इसका इसका जब प्रोडक्ट होगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका, आगे यहाँ पर लिखेंगे B1 C2 B2 C1। सेम प्रोसीजर यहाँ से इसका, इसका इसके साथ में प्रोडक्ट, 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 फिर इसका इसके साथ में प्रोडक्ट होगा, इसका इसके साथ में प्रोडक्ट होगा। किया कॉलम वाइज, लिखेंगे रो वाइज, तो यहाँ पर ये हो जाएगा C2 A3 C3 A2 C3 A1 माइनस C1 A3, फिर यहाँ पर C1 A2 C2 A1। गॉट इट बच्चों? फिर इसका आप यहाँ पर जब ये थर्ड यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू आएगी इसका इसका प्रोडक्ट करने के बाद, ये हो जाएगा आपका A2 B3 A3 B2, देन फिर इसका इसके साथ में प्रोडक्ट, इसका इसके साथ में प्रोडक्ट, ये हो जाएगा A3 B1 माइनस A1 B3, देन इसका इसके साथ में प्रोडक्ट, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, A1 B2 A2 B1। ये हो गया बच्चे हमारा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर हमको इसका इन्वर्स निकालना है तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, बड़ी आसानी से निकल करके आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉडुलस आप निकालना जानते हैं। अब अगर हम इसके ये कर दिया, अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ये निकाल दिया, तो देखें इसको और इसको अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो C11 का जो कोफैक्टर आ जाएगा, C11 जो ये लिखा हुआ है, मतलब ये क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर ये हो जाएगा B2 C3 B3 C2। क्लियर हो रही बात यहाँ पर? तो ये हो गया आपकी शॉर्ट टेक्निक एडजॉइंट निकालने का, और एडजॉइंट जब निकाल लेंगे तो हम इसका इन्वर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अभी तो ये आपने क्या लिया, आप कांस्टेंट लेकर के, आर्बिट्री कांस्टेंट लेकर के समझाने की कोशिश की। अब हम इसका क्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब जैसे सपोज ए इज इक्वल टू -1 0 -1 1 0 2 3 -3 5, ये जीरो सपोज दैट, यहाँ पर ये हुआ, एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, ये जो तीन रो लिखी हुई हैं इन तीन रो को ऐसे ही अरेंज कर दीजिए, -1 1 0 2 -3 5 0, फिर दो रो को उसके नीचे लिख दीजिए, -1 1 0 2, फिर दो कॉलम जो ये लिखे हुए हैं इनको इसके बगल में लिख दीजिए, -1 1 -3 0 0 5 -1 1 0 0। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, यानी ये आपका R1 हुआ, इसको हटा दीजिए, ये आपका C1 हुआ, ये यहाँ से ये C1 है, इसको हटा दीजिए, बस ये बच गया। तो अब यहाँ से जो एडजॉइंट निकल करके आएगा वो एडजॉइंट ऑफ A ये होगा आपका, इसका इसका प्रोडक्ट, देन माइनस दिस वन, 0 -2 0 -2 है, 0 से 0 का प्रोडक्ट, इससे इसका प्रोडक्ट, ये 0 -10, इसका इसके साथ में प्रोडक्ट, इसका इसके साथ में प्रोडक्ट, ये हो जाएगा माइनस का 5। किया कॉलम वाइज, लिख रहे हैं रो वाइज, -5 -0,
इसके साथ प्रोडक्ट, इसके साथ प्रोडक्ट, जीरो माइनस जीरो, फिर इसके साथ में प्रोडक्ट होगा माइनस का सिक्स माइनस जीरो, फिर इसके साथ प्रोडक्ट, इसके साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो माइनस वन माइनस थ्री प्लस थ्री देन माइनस थ्री, फिर इसके साथ में प्रोडक्ट, इसके साथ में प्रोडक्ट, ये हो जाएगा माइनस वन एंड माइनस टू, फिर इसके साथ में प्रोडक्ट, इसके साथ में प्रोडक्ट होगा तो ये हो जाएगा फाइव माइनस ज़ीरो, इसके साथ में प्रोडक्ट, इसके साथ में प्रोडक्ट, ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस फाइव, देन इसके साथ प्रोडक्ट, इसके साथ प्रोडक्ट, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ये निकल करके आ गया बच्चों आपका एडजॉइंट ऑफ ए, गॉट इट, थैंक यू।